2021 के दिसंबर के बर्फीले मौसम में हमारी शादी के 4 दिन बाद मैं और ऐश्वर्या पहुंच गए हमारा हनीमून सेलिब्रेट करने के लिए टू रशिया। रशिया के इस मेमोरेबल ट्रिप में हम गए थे टू रशिया कैपिटल मॉस्को, जहां से हम फ्लाइट लेकर पहुंच गए टू द वेरी वेरी ब्यूटीफुल सेंट पीटर्सबर्ग। हमने यहां से भी एक फ्लाइट पकड़ी और उड़कर आ गए टू मुर्मांस्क, जो कि आर्कटिक सर्कल में सिचुएटेड है। हमने अपने ट्रिप की शुरुआत करी फ्रॉम दिल्ली, जहां हमारा घर है, एंड बैठ गए इन द वर्ल्ड क्लास एमिरेट्स की फ्लाइट में, जो हमें ले चला टू अ वेरी स्मॉल लेवर इन द सिटी ऑफ हबीबीज दुबई। दुबई के DXB एयरपोर्ट पर हमने स्पेंड किए कुछ 6 घंटे। इन 6 घंटों में हमने विंडो शॉपिंग करी, कुछ एक्चुअल शॉपिंग करी, कुछ खाया, एंड देन बैठ गए इन आवर नेक्स्ट फ्लाइट, जो हमें ले चली टू आवर फर्स्ट डेस्टिनेशन ऑफ दिस मेमोरेबल ट्रिप, मॉस्को। गाइस, सो मॉस्को के 3 डेज ट्रिप में हम रुके थे इन द 5-स्टार एंड द लग्जूरियस हिल्टन होटल, एंड गाइस ट्रस्ट मी, ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर होटल है, ये किसी पैलेस या म्यूजियम से कम नहीं लगता। गाइस, हम जैसे ही कैब से उतरे हमारी तो कुल्फी ही जम गई। बहुत ज़ोरों की बर्फ गिर रही थी एंड द टेम्परेचर वॉज -6 डिग्री सेल्सियस। बट मैंने और ऐश्वर्या ने जब ये देखा तो हम दोनों ने एक दूसरे से कहा दैट इट इज ऑल वर्थ इट। दिसंबर के मंथ में रेड स्क्वायर में लगती है बहुत ही ज़्यादा सुंदर क्रिसमस मार्केट। सच बताऊं दोस्तों, जिंदगी में असली में बस 2 जगहों को देखकर दिल से वहाँ निकला है। एक तो है ताजमहल एंड द सेकेंड वन इज स्नो कवर्ड रेड स्क्वायर ड्यूरिंग द क्रिसमस टाइम। No mean for you. 2000. Christmas, ma'am. 2500. 2500. A present for you. It's mine. 2200. Done. Businessman. Real Espanol or Portuguese? India. India. Oh. Namaste. Namaste. Matryoshka. Okay. Babushka. 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 Matryoshka. रेड स्क्वायर एक बहुत ही हिस्टोरिकल सिटी स्क्वायर है हेयर इन मॉस्को। ओवर हेयर यू विल फाइंड द वेरी फेमस एंड आइकॉनिक सेंट बेसिल्स कैथीड्रल, जो रशिया में एक बहुत ही फेमस एंड आइकॉनिक प्लेस है। सेंट बेसिल्स कैथीड्रल को बनाया गया था इन द ईयर ऑफ 1561 बाय आइवन द टेरिबल। दिस कैथीड्रल हैज़ 9 डोम्स एंड ईच डोम करस्पॉन्ड्स टू अ डिफरेंट चर्च। काफ़ी कंटेक्स्ट में इन डोम्स को अनियन या फिर बॉनफायर फ्लेम शेप भी इमेजिन किया जाता है। तो एक काम करते हैं, अंदर चलते हैं एंड लेट्स सी द कैथीड्रल फ्रॉम इनसाइड। देन ऑन द राइट यू विल फाइंड दिस क्लॉक टावर, जिसे स्पास्काया टावर कहते हैं। ये क्लॉक टावर क्रेमलिन के अंदर सिचुएटेड है एंड द एंटायर राइट साइड इज द फेमस क्रेमलिन, विच हैज़ मैनी पैलेसेज, कैथीड्रल्स एंड इज ऑल्सो द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ द रशियन प्रेजिडेंट।
सेंट बेसिल्स कैथीड्रल से एट अ स्लाइड वॉकिंग डिस्टेंस पर यू विल फाइंड द फेमस लेनिन्स मॉसोलियम। यहाँ पर व्लादिमीर लेनिन, जो कि एक बहुत फेमस रशियन रेवोल्यूशनरी एंड पॉलिटिशियन थे, उनकी बॉडी को प्रिजर्व किया गया है। ओवर हियर द फोटोग्राफी वॉज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, बट यू कैन सर्च दिस प्लेस ऑन गूगल एंड सी द इनसाइड पिक्चर्स। वी डिड गो इनसाइड, द एंट्री टू दिस प्लेस इज एब्सोल्यूटली फ्री। जस्ट बिहाइंड लेनिन्स मॉसोलियम यू विल फाइंड द ग्रेव्स ऑफ इम्पॉर्टेंट रशियन लीडर्स एंड पॉलिटिशियंस। This is the grave of the very famous leader of Russia, Stalin, who was a very key figure during the World War II. Just opposite to the Kremlin, across the Red Square, is a very, very famous and luxurious shopping mall known as GUM. इसको गम की तरह spell किया जाता है, but इसकी correct pronunciation is GUM. यहाँ पर आप world के सबसे famous and expensive brands की shopping कर सकते हैं. So be it Louis Vuitton, Montblanc, Coach, Paul Smith, you will find all such brands in this mall. Also, ठंड के मौसम में हम यहाँ थोड़ी थोड़ी देर में आ जाते थे to warm ourselves up as it was freezing outside. घूमते घूमते हमें काफ़ी भूख लग गई and we decided to have a chicken wrap and some cheese nuggets from one of the shops in the Christmas market. And guys, चेक दिस आउट, ये कितनी ज़्यादा सुंदर आइस फॉर्मेशन बनी हुई है ऑन दिस डेकोरेशन। चाय तो मिली नहीं, तो हमने वार्म अप होने के लिए ट्राई करी फेमस रशियन मल्ट वाइन। रेड स्क्वायर में यू विल ऑल्सो फाइंड दिस ब्यूटिफुल बिल्डिंग, which is the state historical museum. We did not go inside, but it looks like a building made up of chocolate. Also, this is Kazan Cathedral. Ye bahut simple looking and beautiful church hai. We did go inside, but we did not click any pictures as a lot of people were praying over here. Dekhte, sham ho gayi and guys, check out these beautiful lights. The Red Square was all lit up at this time and everything looked so beautiful. हमें फिर भूख लग गई and we got ourselves a hot dog from a vendor just outside Kazan Cathedral and at the same time ice skating भी शुरू हो चुकी थी, तो हमने फटाफट अपने tickets book कराई and पहुंच गए अंदर ice skating करने। Varya turned out to be a real rock star while skating and वो बहुत आराम से skating कर रही थी, but just look at me, LOL, मुझे तो किसी ने पीछे से आके टक्कर भी मार दी। Skating करते करते Red Square की happening and beautiful Christmas market में हमने बिताया हमारा exciting day one in Moscow. If you enjoyed and liked the Russian series part 1, then do let us know about it in the comments below and please do like the video and subscribe to the channel. We have covered Turkey in an 11 video series. Aap zarur in videos ko bhi check out kare and please saath mein also hit the red subscribe button so that you can continue seeing all our future videos. Until the next video, Das Vedanya.